आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ जो डिश, उसका नाम है चिकन चटपटा रोल। तो हम पहले सबसे पहले चिकन ले लेंगे। मैंने देखिए इस तरह की ब्रेड ली है, ये मैंने ओपन नहीं किया नहीं तो हार्ड हो जाएंगे। ये चिकन ले ली हूँ मैंने, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में हमारे यहाँ मिलता है, इसको चना बोटी बोलते हैं हमारे यहाँ मुंबई में। तो ये बारीक बारीक छोटे छोटे, अगर आपके पास ऐसा ना मिले तो आप खुद भी इसको कट कर सकती हैं बिल्कुल छोटे पीसेस में, जितना हमारा काबुली चना होता है उतने पीसेस में। ये देखिए इतने बड़े पीसेस में, ये मैं ब्रेड को साइड में रख दूंगी। अब इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तब मैं सबसे पहले ले रही हूँ नींबू, एक आधा नींबू ले रही हूँ मैं, आधा नींबू का जूस। इसको हम बहुत चटपटा बनाएंगे, थोड़ा सा चिली ज्यादा डालेंगे। अगर आपके यहाँ बच्चे हों तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। इसमें अब मैं डालूंगी कर्ड, 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा कलर, फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ सॉल्ट। ये आप आपके अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। इसको मिक्स करेंगे हम और एक आधा से एक घंटा आप इसको मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये फ्राइंग पैन रख लिया है, इसमें मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी मैरिनेशन में इसको ऐड किया था चिकन में। अब डालूंगी मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, टीस्पून डालूंगी मैं मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी मिर्ची है, ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, ये ज्यादा स्पाइसी या ज्यादा तेज नहीं रहेगा, सिर्फ कलर देगा। 2 टीस्पून डालूंगी धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून होममेड गरम मसाला, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऐड करूंगी 2 टमेटोस, 2 टमेटोज और इसको जब तक चलाएं जब तक ये आपके टमेटो सॉफ्ट ना हो जाए। ये हमारे अभी टमेटो सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं जो हमने मैरिनेट किया था चिकन को वो डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें आप, तो थोड़ा सा पकने दें, ये बहुत जल्दी गल जाएंगे क्योंकि छोटे छोटे पीसेस करके हमने इसको मैरिनेट किया था। थोड़ा सा इसको हम कवर करके पकाएंगे 1-3-4 मिनट, उसके बाद हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 से 3 मिनट पकने के बाद हमारा चिकन इस तरह से दिखेगा, लेकिन अब हमें इसका फ्लेम फुल कर देना है और इसका जितना भी पानी है वो सुखा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको फुल फ्लेम पे पकाया है, तो इसका जो पानी था वो सूख गया, अभी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिलीज़,
क्योंकि हमने स्पाइसी नाम दिया इसलिए थोड़ा स्पाइसी तो होना चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इसको अवॉइड कर दें। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पुदीना और अच्छा बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया जो है बहुत अच्छी चीज़ होता है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ होती है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने से ही। अभी बिल्कुल ड्राई हो गया हमारा। अब इसको हम गरम गरम हमारे ब्रेड में नहीं फिल करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आप इसका नमक भी टेस्ट कर लीजिए एक बार आपके हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। गरम गरम कभी नहीं डालें आप आपके ब्रेड में। इसको अब मैं साइड में रखती हूँ। मैं ब्रेड ले रही हूँ, देखिए ये इस शेप की ली हूँ मैंने। इसमें मैं अब लगाऊं, पहले मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं, ये मैं बता दूं आपको। ये देखिए ये पत्ता गोभी है, कैबेज, ये कैप्सिकम, थोड़े से टमाटर, ये कैरेट और प्याज। ये ऑप्शनल है, आप जो भी डालना चाहती हैं आप डाल सकती हैं। ये बता दूं मैंने कैरेट किस तरह से काटा है। ये देखिए इस तरह से ग्रेटर आता है, इसको बस आपको कुछ नहीं, बस ऐसा करके इसको प्रेस करके लेना है। ये देखिए तो आपके खुद ब खुद ऐसे रिंग्स निकलते आते हैं, ये मैं बता रही हूँ आप। चलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेयोनेज, मिंट मेयोनेज है ये। ये देखिए ये इस तरह का है। अगर ये आपके पास नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो मैंने चटनी बताई हूँ पुदीने हरे धनिए की वो भी लगा सकती हैं, और सिंपल मेयोनेज भी डाल सकती हैं आप इसमें। देखिए इस तरह से अब हम डालेंगे हमारे थोड़े वेजिटेबल्स, थोड़ी सी हम डालेंगे हमारी प्याज, उसके बाद पत्ता गोभी थोड़ा सा, ये डालूंगी मैं कैप्सिकम, उसके बाद हम डालेंगे हमारे कैरेट। ये ज़्यादा भी नहीं डालना है हमको, नहीं तो हमारे पास स्पेस नहीं रहेगी चिकन रखने के लिए। और ये हमारे टमेटोस, इसके बाद हम डालेंगे हमारा चिकन। ये इसी तरह से आप स्पून से डालिए। ये आपके चटपटे चिकन रोल बिल्कुल रेडी है गर्मा गर्म। ये थोड़ा सा वार्म भी है, इसको अब हम क्लोज कर देंगे थोड़ा सा दबा के। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं ये भी फिल करूंगी और आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही अच्छा चिकन चटपटा रेडी है इसके अंदर स्टफ करके। ये जरूर ट्राई करें आप, और मेरी रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।